मारवाड़ी में डी आप देख रहे हैं। आज है 21 नवंबर 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की नवमी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मैच में भारत को 6 विकेट से हार मिली। फाइनल में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। वहां वह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए दिखे। इस दौरान पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी और बाकी खिलाड़ियों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाते दिखे। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। ये बजट मोदी सरकार का अंतरिम बजट होगा क्योंकि इसके बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। यही कारण है कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में लोक लुभावन ऐलान हो सकते हैं। मोदी सरकार इस बजट में किसानों का खास ध्यान रख सकती है। किसानों के लिए खास चलाई जाने वाली योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाला पैसा यानी कि किस्त बजट 2024 में बढ़ाई जा सकती है। पीएम किसान के लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए की जगह सालाना 8,000 रुपए देने का ऐलान बजट में हो सकता है। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थन में लोगों को मतदान करवाने के लिए अलग अलग वादे कर रही है। इसी बीच सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ा वादा कर दिया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार दोबारा बनती है तो प्रदेश की जनता को 500 की बजाय अब महज 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा हमारी सरकार आई तो 500 की बजाय 400 में सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही किसानों का 15 लाख का आपदा बीमा करवाया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बीकानेर में रोड शो किया। 5 किलोमीटर के इस मेगा रोड शो में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर शाम 6 बजे रोड शो के लिए निकले थे। जूनागढ़ में पीएम का रोड शो शुरू हुआ था जो देर शाम 7 बजे गोकुल सर्किल पर समाप्त हुआ। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने पाली के जोर्डन और पीलीबंगा में बड़ी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और यहां के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वह फर्जी शिकायतें दर्ज करवाती है। मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आपके मोबाइल का बिल कम कर दिया है। डेटा की 2014 से पहले की कीमत होती तो आज आप जितना डेटा खर्च कर रहे हो तो आपको एक मोबाइल पर कम से कम 5,000 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। सुब्रत राज सहारा के निधन के बाद हर किसी के मन में सवाल है कि अब उनके अटके हुए पैसों का क्या होगा। इसी बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सहारा से भी रिफंड अकाउंट के अनक्लेम्ड फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। यानी कि जिन्होंने क्लेम किया है उन लोगों को तो पैसा मिलेगा, लेकिन 11 सालों से कई ऐसे लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है लेकिन वह दावेदार सामने नहीं आए हैं। इस फंड को सरकार जन कल्याण के कामों में इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। बताया जा रहा है कि आज 10:30 बजे पीसीसी कार्यालय से घोषणा पत्र जारी होगा। अब देखते हैं अशोक गहलोत इस घोषणा पत्र में चुनाव जीतने के लिए कौन से बड़े वादे करते हैं। अच्छा बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में रोड शो करेंगे। पीएम शाम 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो इस प्रकार राजस्थान में आज कई राजनीतिक इवेंट होने वाले हैं। वहीं देखिए राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है क्योंकि मौसम लगातार करवट बदल रहा है। राजस्थान के कई जिलों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में सुबह कोहरा छाया रहता है। फिलहाल प्रदेश का मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन 26 नवंबर के बाद राजस्थान के कई जिलों का मौसम बदलेगा क्योंकि नवंबर के आखिरी सप्ताह में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। वैसे तो मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 26 नवंबर के बाद एक बार के लिए मौसम पलटी मार सकता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।